हाय फ्रेंड्स, प्रियाज किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्रियन स्टाइल कढ़ी की रेसिपी। ये कढ़ी एकदम स्वादिष्ट बनती है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम दही लिया है। दही को अच्छे से विस्कर की हेल्प से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे हम। जितना अपना दही खट्टा है उसके हिसाब से हमें इसमें पानी ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और इसमें हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे, जितनी हमें अपनी कढ़ी की कंसिस्टेंसी चाहिए, जितना थिक हमें चाहिए उसके हिसाब से हमें इसमें बेसन ऐड करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। मैंने यहाँ पे मिक्सी के जार में 6 से 7 हरी मिर्च लिया है, साथ में लहसुन और अदरक लिया है। इसको हमें अच्छे से मिक्सी में पीस लेना है। थोड़ा धनिया डाला है इसमें। मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने तेल गरम करके लिया है। चुटकी भर मैंने इसमें हींग डाला है। 1/2 छोटा चम्मच राई डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छे से। और हमने जो हरी मिर्च और अदरक लहसुन की पेस्ट बनाई थी उसको हम इसमें ऐड करेंगे। हिला लेंगे इसको अच्छे से। हमें इसको तब तक अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका पूरा कच्चापन दूर ना हो जाए। कड़ी पत्ते डालेंगे इसमें। आधा छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। थोड़ा हल्का पीला कलर आना चाहिए अपनी कड़ी को। अच्छे से मिक्स कर दे इसको। हमने जो दही का घोल बनाया था उसको हम ऐड करेंगे अच्छे से। नमक डालेंगे हम इसमें। हमें एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें गैस की फ्लेम धीमी रखनी है। ज़्यादा बड़ी अगर हम गैस रखेंगे तो कढ़ी फट सकती है। धनिया पत्ती ऐड करेंगे। और हमें इसको धीमी आंच पे ही पकाना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अपनी कढ़ी में बॉईल आ चुका है। अब हमें इसको और 10 से 15 मिनट ढक्कन रख के पकाना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ी को बाउल में निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।